हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बॉडी ऑर्गन सिस्टम। इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के आपने नाम भी जाने थे और इंटरनल बॉडी ऑर्गन सिस्टम के नेम भी जाने थे, उनके बारे में डिटेल स्टडी आज हम करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर फाइव मेजर ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी। स्केलेटल सिस्टम, फर्स्ट वन इज स्केलेटल सिस्टम। ये अपनी बॉडी में मेजर पार्ट में होते हैं, इसलिए इनको मेजर ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। स्केलेटल सिस्टम में बोन्स मसल्स होती हैं जो आपकी पूरी बॉडी में होती हैं। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं। माउथ आता है, फूड पाइप आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन है। उसके बाद आते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। देन एक्सक्रेटरी सिस्टम में भी आपके लंग्स भी करते हैं एक्सक्रेटरी, वेस्ट आउट बॉडी से वेस्ट थ्रो करते हैं, आपकी स्किन करती है और आपके लार्ज इंटेस्टाइन करती है, इसलिए इसको भी मेजर ऑर्गन सिस्टम में रखा है। अब नर्वस सिस्टम की भी जो नर्व्स होती हैं वो मैसेजेस सेंड करने के लिए ऑल ओवर द बॉडी में होती हैं। एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके पूरे में ब्लड आता है और आर्टरीज वेन्स आती हैं, ब्लड आता है जो आपकी पूरी बॉडी में होता है ब्लड, इसलिए इन सारे सिस्टम्स को कौन कौन से, स्केलेटल, डाइजेस्टिव, एक्सक्रेटरी, नर्वस एंड सर्कुलेटरी, इन्हें हम फाइव मेजर ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। देन स्केलेटल सिस्टम क्या करता है आपकी बॉडी में, तो 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं आपकी बॉडी में। इनकी नंबर्स आपको लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि फिलअप्स वगैरह में ऑप्शन वाले जो आप क्वेश्चन करोगे उनमें ये आएंगे। देयर आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म स्केलेटन। जो आपका स्केलेटन होता है, जो आपकी बॉडी को शेप देता है, उनसे सब जॉइंट होती हैं। देन स्केलेटन प्रोटेक्ट्स ऑल सॉफ्ट ऑर्गन्स इन साइड अवर बॉडी। और स्केलेटन क्या करता है, आपकी पूरी जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उनको अंदर अच्छे से संभाल के रखता है। जैसे अपन किसी भी चीज़ को बॉक्स के अंदर बंद करके रखते हैं ना डैमेज होने से बचाने के लिए, ऐसे स्केलेटन जो होता है आपकी बॉडी का प्रोटेक्ट करने का काम करता है। पूरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं अंदर, उनको प्रोटेक्ट करके रखता है, ऊपर एक बॉक्स जैसा बना के रखता है। और इट आल्सो गिव अवर बॉडी इट शेप, और ये शेप भी देता है, इसी से आपकी बॉडी प्रॉपर शेप में होती है। देन मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, मस्कुलर सिस्टम में आपके सॉफ्ट पार्ट्स बॉडी के आते हैं जिनको हम मसल्स बोलते हैं। सम मसल्स आर अटैच टू अवर बोन्स। मसल्स किससे अटैच होती हैं, बोन्स से अटैच होती हैं। सारी बोन्स नहीं होती, कुछ 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 मसल्स ऐसी होती हैं जो कि आपकी बोन से अटैच होती हैं। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं, इनके फंक्शन, सभी का अपना काम होता है तो इनका भी अपना वर्क है। इनके फंक्शन मतलब वर्क, मसल्स पुल अवर बोन्स टू मेक देम मूव। हम जो बोन्स क्या, एकदम स्टिफ होती है, बोन्स हार्ड होती है ना, तो एकदम स्टिफ होती है। स्टिफ होने के कारण इसको हम मूव नहीं कर सकते। इनको मूव करने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, मसल्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो मसल्स हमारी बॉडी में मूव करने के लिए, बोन्स को पुल और पुश करने के लिए, मूव करने के लिए काम में आती है। ओके, देन स्केलेटन सिस्टम का ये मैंने पिक्चर बनाया है, जो आपको इसकी अभी ऐसे ये सब लर्न नहीं करनी है। ये बोन्स के नेम है, क्रेनिया, मैंडिबल, स्टेनम, रिब्स, ये सब आपको बस एक आपको एक दिया हुआ है ये पूरा स्केलेटल सिस्टम का, कि ये बॉडी को इस टाइप से शेप देता है। तो इसका जो आउटलाइन डायग्राम है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ बीच में ये सब रिब्स होती हैं जिनके अंदर आपके लंग्स सॉफ्ट होता है, तो उसमें लंग्स को ये क्रेनियम, स्टर्नम, इनको संभाल के रखते हैं। जो आपका क्रेनियम होता है वो आपके ब्रेन को संभाल के रखता है। आपके ये जॉइंट्स हैं बीच बीच में, ये यहाँ पर कार्पल्स, ये अलग अलग बोन्स है, रेडियस, अल्ना, तो इनके नाम अभी लर्न नहीं करने, ओनली बस ये आपको डायग्राम ऐसे पता होना चाहिए कि स्केलेटल सिस्टम का डायग्राम है ये, और ये आपको
किस टाइप से हेल्प करता है, क्योंकि आपने पढ़ लिया है उसमें, तो बस जो आप 2-3 पॉइंट्स लर्न करेंगे, जब आप आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आपको इनकी बोन्स के नाम भी आएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, अब डाइजेस्टिव सिस्टम ये भी आपके मेजर पार्ट, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है आपका, तो ये आपकी बॉडी में मेजर ऑर्गन सिस्टम इसीलिए कहलाता है क्योंकि ये पूरा, अभी स्केलेटन सिस्टम में भी आपने देखा था ऊपर से लेके नीचे तक होता है, इसलिए इसको मेजर कहते हैं। ये सारा देखो, ये फूड पाइप है, ये लिवर, लंग, सब इसमें सारे मेजर ऊपर से लेके नीचे तक है, इसलिए इसका भी डायग्राम आपको ऐसे वो लर्न नहीं करना है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इसके पार्ट आए तो आपको ये पता होना चाहिए। स्टमक है लिखा हुआ है, स्टमक वेयर इसमें जैसे हेडलाइन कर, यहाँ पर लाइन कर दें आपको, और यहाँ पर ये स्टमक जैसे लिखा है इसको नहीं दें, तो आपको लिखना आना चाहिए। ओके, देन आप अभी आइडेंटिफाई ओनली करेंगे, उसके बाद डाइजेशन क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं वो हमारा किस टाइप से पचता है या जिसमें फूड को कैसे डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड इनटू वेरी स्मॉल पीसेस। डाइजेशन में क्या होता है, जो आप खाना खाते हो वो पीसेस फूड के जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में एकदम टूट जाते हैं, बारीक बारीक क्रश हो जाते हैं, जैसे मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें हम कोई भी चीज़ को पीसने का काम करते हैं, ऐसे डाइजेशन जो मेथड है उसमें भी आपका फूड जो आप खाते हो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में कौन करता है, डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं आपके वो ये काम करते हैं, तो एब्जॉर्ब हो जाए और उसके बाद आपका जो फूड आपका बिल्कुल बारीक बारीक क्रश हो जाता है, देन आपका जो ब्लड होता है वो उसमें से इम्पॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें होती हैं जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के लिए वो सब एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी। किसके थ्रू कर लेती है एब्जॉर्ब? ब्लड के थ्रू, टू गिव एनर्जी। और हमको उस फूड से क्या मिलती है, जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है फूड, उससे हमको एनर्जी मिलती है, इसीलिए तो हम खाना खाते हैं ना, तो वो सब हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। और जब डाइजेस्ट नहीं होता है तब आपको कैसा महसूस होता है, कभी पेट दर्द होता है तो कभी आपको लूज मोशन हो जाते हैं ना, तो डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है आपके खाने का। द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच डाइजेस्ट द फूड इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ऑर्गन्स हैं इसके वो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा बनाते हैं, जो जैसे माउथ है इसका ऑर्गन, फूड पाइप है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब इसका, इससे पहले वाले आपने डायग्राम में देखा ना, ये है स्टमक, इसमें आपका सबसे पहले आप यहाँ खाना खाते हो, यहाँ से जाता है और ये फूड पाइप में जाता है, उसके बाद यहाँ स्टमक में, यहाँ पर बहुत सारे जूसेस मिलते हैं इसमें जो इसको खाने को पचाने का काम करते हैं, देन ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके नीचे छोटी सी ये अंदर है, लार्ज इंटेस्टाइन ये बड़ी इसकी इसकी चौड़ी चौड़ी नलियाँ हैं, इसकी थोड़ी सकरी नलियाँ हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो ये सारे ऑर्गन्स मिलकर लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन एनस, ये गॉल ब्लैडर, लिवर, सलाइवरी ग्लैंड सब मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। ओके, देन हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग सिस्टम। ब्रीथिंग सिस्टम में क्या होता है, नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। नोज आती है, इसके थ्रू हम लेते हैं गैस, जो ऑक्सीजन गैस हमारे ब्रीथिंग के लिए काम में आती है उस गैस को नोज के थ्रू लेते हैं, विंड पाइप के थ्रू, जैसा फूड पाइप होता है ना आपका उसी के तरीके से विंड पाइप भी होता है, एंड लंग्स आर पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, अवर ब्रीथिंग सिस्टम, ये ब्रीथिंग सिस्टम के ऑर्गन है। व्हेन वी ब्रीथ एयर एंटर्स थ्रू आवर नोज एंड पासिस थ्रू द विंड पाइप एंड एंटर द लंग्स। सबसे पहले हम जैसे ही ब्रीथ करते हैं तो एयर एंटर करती है ब्रीथिंग सिस्टम में। क्या होता है, हम ब्रीथ करते हैं तो एयर अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो उसमें एंटर किसके थ्रू होती है, नोज के थ्रू एंटर होती है और विंड पाइप से होती हुई लंग्स में पहुँच जाती है। इन द लंग्स ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एयर। अब जब ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं तो लंग्स में क्या होती है, सारी ऑक्सीजन को वो लंग्स एब्जॉर्ब कर लेता है पूरा, क्योंकि वो ब्लड के साथ मिल जाती है और ब्लड उसको डाइजेशन में हेल्प मिलती है उससे, ऑक्सीजन से, तो सारे लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन को तो एब्जॉर्ब कर
लेता है एंड एंटर द ब्लड, ब्लड को सप्लाई कर देता है, सारा ब्लड को भेज देता है. देन ब्लड ऑक्सीजन इज टेकन टू ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. ब्लड ऑक्सीजन इज टेकन टू ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. इसके बाद हम देखते हैं इसका डायग्राम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये डायग्राम है. रेस्पिरेटरी सिस्टम भी देखो आपका नोज से स्टार्ट होकर आपके चेस्ट, ये देखो ये लंग्स हैं और इसमें विंड पाइप, ये वाला जो है इधर ये पूरा जाता है, इसमें से गैस आपकी होती हुई जाती है, इस ये विंड पाइप कहलाता है. नेजल कैविटी एंड मैनी ऑर्गन्स आर देयर, ये छोटे छोटे इसमें ब्रोंकाइल्स हैं, ब्रोंकस है, मतलब इसमें ऐसे सेल्स छोटी छोटी बनी हुई होती हैं जिनको हम अलग अलग नाम दिए हुए हैं. ये आपको लर्न अभी नहीं करने हैं, आगे जब आप स्टडी करोगे आगे के क्लासेस में तब हम आपको इनको लर्न करना पड़ेगा, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा. लेकिन अभी आपको जानना है कि ये आपकी कहाँ से कहाँ तक और क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं. ओके, तो नोज है, लंग्स है, मेन ऑर्गन्स जिनके नाम मैंने बताए, नोज और लंग्स, ये दो लंग्स है आपके हैं, विंड पाइप. ओके, देन सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपका, इसका भी डायग्राम अभी मैं बताऊंगी. इसमें आते हैं आपके हार्ट, हार्ट आता है, ब्लड आता है जो आपकी पूरी बॉडी में होता है, होल बॉडी में, एंड ब्लड वेसल्स मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम. ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, टुगेदर मेक सर्कुलेटरी सिस्टम. द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी के लिए. मतलब अगर हमारी ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो हार्ट क्या करता है, उनको हटा देता है और प्योर कर देता है, उसको इम्प्योरिटीज को निकाल देता है. द ब्लड गोज अराउंड अवर बॉडी इन ब्लड वेसल्स. और ब्लड जो प्योर ब्लड होता है वो कैसे जाता है आपके, किन के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू. तो इसके मेन पार्ट होते हैं हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल किसको बोलते हैं, जो ब्लड हमारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है वो दो नलियां होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम आर्टरीज और वेन बोलते हैं. ये ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर आपके ऊपर ऊपर बॉडी में दिखता है ना, स्किन के आसपास, जिनको अपन बोलते थे, ये आपकी वेन्स कहलाती हैं. इनमें इम्प्योर ब्लड होता है इसलिए ये ग्रीन ग्रीन दिखाई देती है. और आर्टरीज थोड़ी नीचे होती है स्किन के, अंडर द स्किन होती है, तो वो उसमें रेड ब्लड होता है जो कि कैसा होता है, प्योर ब्लड होता है. ओके, तो ब्लड वेसल्स किसको बोलते हैं, आर्टरीज और वेन्स को, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है. ओके, देन आ जाओ इसका डायग्राम, ये रहा, ये देखो ये बनी हुई है, ये आर्टरीज और वेन को इन्होंने ऐसे बनाया कि ऐसे पाथ बना हुआ होता है. ये रेड का एक पाथ जो कि आर्टरीज का पाथ होता है और ये वेन्स का होता है. ये ऐसे स्क्वायर फॉर्म में नहीं होती, लेकिन इन्होंने ब्लड से निकल रही है इसलिए इसको इस टाइप का, हार्ट से निकल रही है इसलिए इसको ऐसा बनाया है. तो ये देखो इसको हार्ट ऐसा करता है, ये ब्लू ब्लू है जितना भी, इनको रेड में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए हार्ट का वर्क होता है. तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से अपने ऑर्गन पड़े, किन से मिलकर बनता है सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है हार्ट, ये हार्ट, ये देन ब्लड, ये ब्लड इसके अंदर भरा रहता है. ये देखो ये पूरा ऑक्सीजन से भरकर ये लंग्स क्या करते हैं, और ब्लड सप्लाई कर देते हैं सारी ऑक्सीजन को. जैसे ऑक्सीजन उसमें मिक्स होती है तो ये रेड कलर में चेंज होने लग जाता है धीरे धीरे. ओके, और ब्लड इसको हार्ट इनको प्योर कर देता है. देन ब्लड वेसल्स, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. ओके, तो ये डायग्राम भी आपको बनाना नहीं है, पर आपको ये मालूम होना चाहिए सर्कुलेटरी सिस्टम में ये तीन ऑर्गन्स मिलकर बना होता है. ओके, देन आ जाओ आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपके लंग्स आते हैं जो कि आपकी बॉडी में जितना भी वेस्ट होता है उनको निकालने का काम करते हैं. लंग्स से कौन सी चीज निकलती है वेस्ट, ऑक्सीजन तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है. आप जो एयर लेते हो वो कैसी होती है, ऑक्सीजन वाली होती है. आप उसमें ऑक्सीजन लेते हो वो प्योर एयर होती है, लेकिन
उसके बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जब भी कभी फूड का डाइजेशन होता है, एब्जॉर्ब होता है, ब्रेकिंग डाउन होता है, तो उससे आपके कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो कि वेस्ट लंग्स निकाल देता है। देन किडनीज के थ्रू आपकी यूरिन पास आउट होती है, और स्किन आपके वेस्ट जो वाटर होता है या सॉल्ट्स होते हैं जो आपके वेस्ट होते हैं बॉडी में, वो सब आपके स्किन के थ्रू निकल जाते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कितनी चीजों से मिलकर बना है? लंग्स, किडनीज एंड स्किन मेकअप द एक्सक्रीटरी सिस्टम। द एक्सक्रीटरी सिस्टम हैज टू थ्रो आउट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी इन द ये इसका वर्क होता है वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर करने का। फॉर्म ऑफ यूरिन एंड बॉडी किडनीज हैव टू क्लीन अवर ब्लड। किडनी हमारे ब्लड को क्लीन कर देती है, उसमें से जितने भी एसिड या वो होते हैं उनको निकाल देती है और ब्लड को क्लीन करती है। स्किन हेल्प्स टू थ्रो आउट जितने भी एक्सेस वाटर या सॉल्ट होते हैं जो स्वेट के थ्रू आपके निकल जाते हैं। व्हेन ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज थ्रोन आउट अवर बॉडी बाय लंग्स। लंग्स के थ्रू आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ओके, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये डायग्राम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है? ये दो किडनी है, रेड कलर की दिखाई दे रही है ना, ये दो किडनी आपकी बॉडी में होती है। इनसे ये निकलकर पाइप जा रहे हैं, इनको अपन यूरेटर बोलते हैं। इनसे आपका वेस्ट निकालने का काम करता है जो यूरिन के थ्रू आपका निकल जाता है। और कहाँ पर कैरी लिखा ना, कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर एंड स्टोर यूरिन इन ब्लैडर। ब्लैडर में यूरिन स्टोर हो जाता है और फिर हम इसको बॉडी से पास आउट कर देते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आए? किडनी, यूरेटर, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये आपका जो डायग्राम है इसमें किडनी दिखाई दे रही है, यूरेटर दिखाई दे रहा है, ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, लेकिन और भी ऑर्गन्स हैं जो आपके वेस्ट बॉडी से निकालने का काम करते हैं, वो है लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, नर्वस सिस्टम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नर्वस सिस्टम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट नर्वस ऑर्गन सिस्टम इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है क्योंकि ये पूरे जितने भी आपके सिस्टम है उनको कंट्रोल करने का काम नर्वस सिस्टम का होता है। मतलब उनका इसका फंक्शन होता है नर्वस सिस्टम का आपके जितने भी बॉडी ऑर्गन है और जितने भी सिस्टम है उनको कंट्रोल करने के लिए। ब्रेन, ये नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? इट मीन्स ब्रेन, इसमें ये ऑर्गन होता है। नर्व्स मेकअप द नर्वस सिस्टम। पूरी ऑल ओवर बॉडी में आपकी नर्व्स होती है और ब्रेन आपका कहाँ होता है? ऊपर, सबसे ऊपर हेड में, जो क्रेनियम में फिक्स होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन। ब्रेन कंट्रोल्स ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, आपकी बॉडी के पूरे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। इट्स एंड सबके अपने फंक्शन है। बच्चों, ये आपको आएंगे कि ब्रेन का क्या वर्क है, फंक्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है, किडनी क्या करती है, लंग्स क्या करते हैं, तो ये आपको फंक्शन पता होने चाहिए। इट्स सेंड ऑर्डर्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी बाय सेंडिंग मैसेजेस थ्रू नर्व्स। ये पूरे पार्ट्स को, जो आपकी बॉडी के पार्ट्स हैं, उनको मैसेजेस सेंडिंग करने का ये देने का काम करता है, भेजने का काम ये नर्व्स के थ्रू करता है। इससे नर्व्स होती है, जो नर्व्स क्या करती हैं, ये सब ब्रेन को ऑर्डर देती हैं, ब्रेन को मैसेजेस पहुंचाती हैं, फिर ब्रेन ऑर्डर देता है कि ऐसे करो, तो फिर सारे बॉडी पार्ट्स वैसे करते हैं या बॉडी ऑर्गन सिस्टम ऐसा करते हैं। जो ब्रेन ऑर्डर देता है वही हम फॉलो करते हैं। ओके, देन मैसेजेस फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी आल्सो कम्स टू ब्रेन थ्रू दीज नर्व्स। ये नर्व्स का जो काम होता है वो मैसेजेस लाने और देने का, भेजने का काम नर्व्स का ही होता है पूरी बॉडी को, जो कि पहले ब्रेन के पास पहुंचती है और ब्रेन उसको मैसेजेस को किसके थ्रू भेजता है? नर्व्स के थ्रू। ओके, देन ये नर्वस सिस्टम का डायग्राम है। नर्वस सिस्टम में ये ब्रेन है और ये नर्व्स हैं जो ऊपर से लेके नीचे तक फैले हुए हैं। तो अब बच्चों आपको समझ में आया, जो आपने फाइव बॉडी ये मेजर ऑर्गन सिस्टम आपके बॉडी के हो गए, तो मेजर ऑर्गन सिस्टम में आपने समझा कि इनको मेजर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम तो आपकी पूरी बॉडी के लिए सारे जरूरी हैं। रेस्पिरेटरी भी जरूरी है आपके लिए,
रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आएगा वो भी एसेंशियल है, सभी है, लेकिन ये मेजर है जो कि आपके पूरी बॉडी में ऊपर से लेके नीचे तक ये सारी नर्व्स है। देखो नर्वस सिस्टम में ब्रेन यहाँ पर है और बाकी ये सब ऐसे यहाँ यहाँ पर भी कभी अपने को कांटा लगता है या पैर में कोई कुछ रफ लगता है, स्मूथ सरफेस नहीं होती, तो हमें पता पड़ जाता है हमारे ब्रेन को कि ये काटा है या यहाँ पे सरफेस सही नहीं है या ठंडा है, टेम्परेचर पता पड़ जाता है। तो ऐसे सब मैसेजेस कौन देता है? ये सारी जो नर्व्स फैल रही है ये सब ब्रेन को देती है और ब्रेन हमारे ऑर्डर देता है बॉडी ऑर्गन्स को। ओके, देन आपको इनको एक बार ऐसे टेबल में भी बताया है मैंने, तो इसको टेबल से भी जैसे जैसे इनको एक बार पढ़ लेंगे आप, अवर बॉडी हैज ए वेराइज पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गन्स विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ये डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। सेवरल ऑर्गन्स टुगेदर परफॉर्म वन मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन। दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम। जो ये सब ग्रुप होता है इनका वो ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड, इसमें ये तीन चीज होती है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। इट कंट्रोल्स इसके, अगर नर्वस सिस्टम के ऑर्गन कोई पूछेगा आपसे तो आप कौन कौन से बताओगे? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। इसका फंक्शन क्या है, इसका वर्क क्या है? इट कंट्रोल्स ऑल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। देन स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? इट गिव्स आवर बॉडी शेप, ये तो वर्क देता है। स्केलेटल सिस्टम में आपकी सारी बोन्स एंड मसल्स आती हैं, बोन्स आती हैं, जॉइंट्स आते हैं। एंड इट गिव्स बॉडी टू शेप, इट आल्सो गिव्स स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट ऑर्गन्स इनसाइड। इसका काम अंदर के सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, बॉडी को शेप देना और बॉडी को स्ट्रेंथ देना, ये इसका फंक्शन होता है। मस्कुलर सिस्टम इट कंसिस्ट द मसल्स, इट कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। ये आपकी बॉडी की जो बोन्स तो स्टिफ होती है लेकिन आपका जो मूवमेंट होता है, आप चलते हो, हाथ मोड़ते हो, घुमाते हो, सब करते हो, मूव करते हो, जो आपका मूव करती है बॉडी वो मसल्स के थ्रू मूव करती है। मतलब इसका जो वर्क होता है, मस्कुलर सिस्टम के ऑर्गन में मसल्स आती हैं ओनली और इनका वर्क होता है मूवमेंट ऑफ द ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। देन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? इसके अंदर सबसे पहले तो ऑर्गन्स कौन से आते हैं? इसके अंदर आते हैं हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स, ये आते हैं। और ये इनका वर्क क्या होता है, ये फंक्शन क्या करते हैं? द ब्लड इज पम्प थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में पंप करने का काम, मतलब यहाँ से लेके नीचे तक ब्लड जाने का काम हार्ट पंप करता है। देन इट कैरीज फूड टू ऑल पार्ट्स, सभी पूरा जो हम खाना खाते हैं वो बॉडी के सभी हिस्से में, पूरे होल पार्ट बॉडी में भेजने का काम भी ब्लड करता है। एंड ऑल्सो कलेक्ट्स वेस्ट मटेरियल फॉर एक्सक्रीशन, और जो वेस्ट जो आपके लिए रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के लिए वो तो आपको ब्लड के थ्रू जाती है और जो आपका वेस्ट होता है वो भी ब्लड के थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम को देने का काम भी ब्लड ही करता है। ओके, देन अब आ जाओ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? द माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन। और ये डाइजेशन का वर्क करता है, इसका वर्क ये होता है और ऑर्गन्स होते हैं स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। द डाइजेशन ऑफ फूड विच प्रोवाइड्स अस एनर्जी, इसका वर्क होता है एनर्जी, हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी देने का काम। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट कंसिस्ट द नोज एंड द लंग्स, ये नोज और लंग्स होती है और विंड पाइप होता है इसमें, ये ऑर्गन होते हैं इसके। ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? इट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अवर बॉडी, ये हमारी बॉडी को ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का काम करते हैं। द एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऑर्गन्स कौन से होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं मेन ऑर्गन्स एक्सक्रीशन ऑफ किडनी। मेन आपकी बॉडी के तो एक्सक्रीशन कौन करता है? जो आप यूरिन पास आउट करते हो किडनी के थ्रू ही होती है, लेकिन और भी एक्सक्रीशन के ऑर्गन्स होते हैं, वो होते हैं लंग्स एंड लार्ज
intestine also and skin also. Okay, then ये इसका सिस्टम का डायग्राम है जिसमें ये ब्लैडर में यूरिन आ जाती है, यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाती। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑर्गन विच आर डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल। इसी से हमें मेल और फीमेल की जानकारी मिलती है। मेल में बॉय में अलग ऑर्गन होते हैं और फीमेल्स में अलग, डिफरेंट ऑर्गन से रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। देन बस ओनली आपको अभी ये सब पार्ट्स ही इनके लर्न करने और इनके फंक्शन लर्न करने। ओके, इनका फंक्शन भी आएंगे आपके कि इनके फंक्शन क्या कर, ये सब ऑर्गन क्या करते हैं तो आपको आना चाहिए। और इनमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कभी डाइजेस्टिव के पूछ लेते हैं, कभी एक्सक्रीटरी के पूछ लेते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। देन अब हम जानेंगे कि आपने आज जो जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उनके डायग्राम और आपको बनाने नहीं है लेकिन ऑर्गन्स के नेम लर्न करने हैं। जितने भी ऑर्गन सिस्टम है ना उनके नेम लर्न करना, इस वीडियो को 2-3 बार देखना तभी आपको उनके नेम लर्न होंगे। ओके, देन आप उसके फंक्शन लर्न करना कि सब ऑर्गन आपकी बॉडी में, ऑर्गन सिस्टम क्या वर्क करते हैं और सब ऑर्गन्स किस किस में होते हैं। किडनी कौन से सिस्टम में होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। अगर कोई पूछे स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, थैंक यू।